इसमें गैप वाली कोई चीज़ ही नहीं है, अब मैं एक्सेलरेट करने वाला हूँ। तो आज हम आए सुजुकी जिक्सर 155 का रिव्यू करने, तो लेट्स सी ये बाइक कैसी है। ओके 155 सीसी के हिसाब से इंजन अच्छा खासा पावरफुल है। जो एग्जॉस्ट नोट है सबसे पहले वो आपको सुनाई देगा, अच्छा खासा हैवी एग्जॉस्ट नोट मिलता है इसमें। एक्सेलरेशन बहुत अच्छी है, सिंगल चैनल एबीएस मिलता है आपको इसमें, तो ब्रेक्स पे भरोसा कर सकते हैं। बाकी साथ में दोनों ही टायर में आपको डिस्क ब्रेक मिलती हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट सिंगल चैनल एबीएस है, एक डिस्क ब्रेक पे आप भरोसा कर सकते हैं, दोनों ही डिस्क ब्रेक पे भरोसा नहीं कर सकते। टर्निंग रेडियस बहुत ज़्यादा बुरा है नेकेड बाइक होने के बावजूद। अब हम बात करें सिटिंग पोजीशन की, तो एक्चुअल में सिटिंग पोजीशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। मतलब इन्होंने बाइक एग्रेसिव सिटिंग पोजीशन बनाई है, जैसे जो सिटिंग पोजीशन आपको BMW G310R में मिलती है बाइक, उससे बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है वैसी कुछ पोजीशन है। बट एक्चुअल में उसमें आपकी जो फ्रंट बॉडी पोस्चर है वो थोड़ा सा पीछे रहता है और इसमें ऑटोमेटिकली थोड़ा सा आगे रहता है। पीठ 110% बिल्कुल सीधी रह रही है, बट ये चीज़ बहुत बुरी लग रही है कि ऐसा लग रहा है कि मुँह ऑलमोस्ट स्पीडोमीटर के ऊपर है, तो वो चीज़ अच्छा फील नहीं करा रही बिल्कुल भी। मतलब ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने ज़ोर की ब्रेक मार दी तो शायद से मैं बाइक से गिर के आगे चला जाऊंगा, और दोनों ही ट्यूबलेस टायर मेरी बॉडी के ऊपर से। बाकी हैंडलिंग की बात करी जाए तो हैंडलिंग अच्छी है, बाइक 140 kg की है तो पता चल रहा है कि 140 किलोग्राम्स की है बाइक। इतना ईजी नहीं है इसको हैंडल करना, हैंडल इतना लाइट भी नहीं है इसका। बट हाँ, हाईवेज पे जब आपको चलानी है बाइक तो हाईवेज के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि हैंडल की जो ग्रिप मिल रही है वो बहुत स्ट्रांग है, कि मतलब बहुत कमांडिंग है, कि ऐसा नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से कोई इधर उधर जा रहा है, कोई छोटे मोटे गड्ढे आ रहे हैं तो आपको ऐसा लगे कि बाइक उछल जाएगी, गिर जाएगी कहीं पर। बाकी रही बात सस्पेंशन की, तो जैसे कि मैंने दूसरी वीडियो में बताया था, इसके जो फ्रंट फोक्स हैं वो 37mm से बढ़ाकर, टेलीस्कोपिक फोक्स हैं 37mm से बढ़ाकर ये कर दिए गए हैं 41mm, तो लेंथ बढ़ती है तो साथ में कंफर्ट बढ़ता है, और वो एक्चुअल में मैं फील कर पा रहा हूँ। पीछे जो सस्पेंशन है वो मोनो सस्पेंशन है, उसमें कोई चेंज नहीं है। बट फ्रंट में जो सस्पेंशन है वो ब्रेक दबाते टाइम पता चल रहा है, जब आप ब्रेक दबा रहे हैं तो एक लंबी सस्पेंशन आपको मिल रही है, वो चीज़ एक्चुअल में राइड को थोड़ा कम्फर्टेबल बना रही है। और जो छोटे मोटे गड्ढे हैं इतनी लंबी फोक्स होने की वजह से उनका बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। अब बात करें इंजन की, तो जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है कि आप अगर जैसे इस टाइम पर हमें थर्ड गियर में, ठीक है, RPM अराउंड 3000, तो आप जैसे ही एक्सेलरेट करेंगे उसी टाइम इंजन बिना लैग लिए विद इन मतलब माइक्रो सेकेंड्स बिना लैग लिए आपका साथ देता है। जैसे मैं यहाँ पर एक्सेलरेट करूँगा आप देखिएगा RPM एकदम से बढ़ेगी। कोई कई बाइक्स में ना गैप आता है बीच में थोड़ा सा, बट इसमें गैप वाली कोई चीज़ ही नहीं है। अब मैं एक्सेलरेट करने वाला हूँ, तो ये चीज़ एक्चुअल में बहुत ज़्यादा अच्छी है इस इंजन की। रिफाइंड लग रहा है बहुत ज़्यादा इंजन, हालांकि पार 0.6 से कम हुई है क्योंकि इसमें फ्यूल इंजेक्शन आपको मिलता है, बट उस वजह से अब आपको इसकी फ्यूल एफिशिएंसी बेटर लगेगी। टैंक बहुत बड़ा है, बट जो एग्रेसिव टैंक इन्होंने दिया है कावासाकी Z800 जैसा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था दूसरी वीडियोज़ में, वो आप उसको फील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं इस टैंक को एक्चुअल में फ़ील करूँ कि इतना बड़ा टैंक है उस एग्रेसिवनेस को फील कर सकूँ। बट एक्चुअल मुझे जो दिख रहा है वो है सिर्फ इतना सा स्पीडोमीटर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका। और हाँ, ये पॉइंट में मेंशन करना भूल गया था, यहाँ सस्पेंशन का पता चल जाएगा। ये गड्ढे काफ़ी बड़े थे, बट मेरी आवाज़ फ्लिकर हुई, बट इतनी ज़्यादा फ्लिकर नहीं हुई जितनी दूसरी बाइक्स में हो जाती है। बाकी मुझे एक थोड़ी सी चीज़ जो बुरी लगी वो ये थी कि जो इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो लाइट है वो इतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। और हाँ, इसका हॉर्न मैं जैसे पहले बता रहा था आपको, इसका हॉर्न बहुत ज़्यादा बुरा है और इसकी लाइट बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं है। अगर हम ट्रैफिक की बात करें, ट्रैफिक से निकलना इतना सोखा नहीं है, इतना ईजी नहीं है। मतलब क्योंकि टर्निंग रेडियस ही नहीं है बाइक का, तो आप कट नहीं मार सकते इतना ज़्यादा, तो अटक रहा है वो चीज़, वो बहुत बुरा लग रहा है। बाकी बात करूँ सिटिंग पोजीशन की, तो इतनी कंफर्टेबल नहीं है मेरे को एक्चुअल में। मैंने 5-7 मिनट से ड्राइव कर रहा हूँ और मेरे बम थोड़े से दर्द कर रहे हैं। सीट्स सॉफ्ट नहीं है बिल्कुल भी इसकी, सीट्स बहुत ज़्यादा हार्ड हैं। ओके, तो ये थी इसकी टेस्ट ड्राइव। एक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यहाँ से लाइक करें, दूसरी वीडियोज़ को देखें, हम उसे शेयर करें, हमारे चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, तो दोबारा सोचेगा मत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जयराम जी की।